गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टडी करेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी हाउ बॉडी इज चार्ज्ड। अगर बेटा आप लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। बेटा कुलाम्स लॉ क्या बताता मैं, हाउ टू चार्जेज इंट्रैक्ट, यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा, इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेज के बारे में बताता है। आप लोगों को पता है बेटा जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुलाम्स ने यही बात बताई कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ रिपेल करते हैं और कितने फोर्स के साथ अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा आइए एक बार हम समझते हैं इसको अच्छे से। हमने दो बॉडी ली, बॉडी वन बॉडी टू। बॉडी वन के ऊपर चार्ज है प्लस क्या वन, बॉडी टू के ऊपर चार्ज है प्लस क्या टू। देखो बेटा जो बॉडी टू है वो बॉडी वन के ऊपर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन के अंदर। देखो क्योंकि ये लाइक चार्ज है ना तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो बॉडी टू है वो बॉडी वन के ऊपर फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में। देखो फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू, और बॉडी वन है जो फोर्स लगा रही है बॉडी टू के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर। देखो बेटा फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू वन, ठीक है बेटा। इसकी कुछ कंडीशन थी, देखो क्या थी। फर्स्ट क्या है, स्टैटिक चार्ज। जो चार्ज है बेटा उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, रेस्ट के अंदर। जो चार्जेज है उसकी पोजीशन किसके अंदर होनी चाहिए, रेस्ट के अंदर। नेक्स्ट बेटा पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, चार्ज इन स्मॉल स्पेस। जो स्मॉल स्पेस के अंदर चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेज। देखो बेटा जो लाइन दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसी के ऊपर फोर्स लगेगा, ना कि इस डायरेक्शन में ना कि इस डायरेक्शन में। देखो बॉडी वन और बॉडी टू के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पर फोर्स लगेगा। दोबारा समझो, जो लाइन बेटा दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसी के ऊपर ही फोर्स लगेगा। देखो फोर्स लगाया बॉडी टू ने बॉडी वन के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर, कहां लगा फोर्स, जो लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है उसी के ऊपर। नेक्स्ट क्या, देखो बेटा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस के, यानी कि एफ डायरेक्टली क्या वन क्या टू। जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका फोर्स होगा। जितना कम चार्ज होगा उतना ही कम आपका फोर्स होगा। नेक्स्ट क्या बेटा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन का स्केयर। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो पॉइंट चार्जेस के बीच की सेपरेशन है उसके स्केयर के। जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी बेटा उतना कम फोर्स लगेगा, जितनी कम सेपरेशन होगी उतना ही ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्या, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है बेटा मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। एक बार दोबारा से देखो बेटा, हमने क्या किया, दो बॉडी कंसीडर की, बॉडी वन बॉडी टू। बॉडी वन के ऊपर चार्ज है बेटा प्लस क्या वन, बॉडी टू के ऊपर चार्ज है बेटा प्लस क्या टू। देखो अब बॉडी टू ने फोर्स लगाया बॉडी वन के ऊपर, यानी बॉडी टू ने बॉडी वन को रिपेल किया इस डायरेक्शन के अंदर, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। तो बॉडी वन ने भी फोर्स लगाया बॉडी टू के ऊपर, बॉडी वन ने भी बॉडी टू को क्या किया बेटा, रिपेल किया। देखो फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू वन, ये जो फोर्स लग रहा है बेटा ये उस लाइन के ऊपर लग रहा है जो दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। तो जो फोर्स होगा बेटा वो इक्वल होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। अब हम
कंबाइन करते हैं इक्वेशन वन और टू को, यानी कि आपके पास आ गया एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केयर बेटा। जो के है उसको बोलते हैं बेटा कॉन्स्टेंट, क्या है के, क्या बेटा कॉन्स्टेंट, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्स्टेंट या कूलाम कॉन्स्टेंट। जो के है बेटा उसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलाम स्केयर बेटा। और के डिपेंड करता है बेटा मीडियम के ऊपर, के किसके ऊपर डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और जो आपका फोर्स है बेटा वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है मीडियम के अंदर, जैसे एयर या वैक्यूम के अंदर अलग फोर्स होगा और वाटर के अंदर अलग फोर्स होगा बेटा। बेटा एक बार जो कंडीशन है इसकी एक बार अच्छे से दोबारा समझो। स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज है बेटा उसकी पोजिशन कैसी होनी चाहिए रेस्ट के अंदर, चार्ज कैसा होना चाहिए बेटा पॉइंट चार्जेस। देखो दोबारा समझाता हूं मैं आपको पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है बेटा। चार्ज इन स्मॉल स्पेस, मेरे पास दो मेटल की बोल है बेटा, दोनों के ऊपर पॉजिटिवली रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, और आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं क्या बेटा ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है चार्ज इन स्मॉल स्पेस बेटा। तो एक बॉल और है मेरे पास जिसका साइज है 1 mm, उसके ऊपर जो चार्ज है उसको आप बोलोगे पॉइंट चार्ज। तो बेटा ये बड़ी बॉल है जो दोनों, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकती है, ये भी पॉइंट चार्ज हो सकती है। कब? जब हम इनके बीच की सेपरेशन को बढ़ा दें, अगर हम इनके बीच की सेपरेशन को बढ़ा दें, इनको बहुत दूर दूर रख दें, तो बेटा ये हमें कैसे दिखाई देगी स्मॉल साइज में, यानी कि पॉइंट के साइज में। बेटा आप लोगों ने स्टडी किया जो सेकंड था आपका फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि सेपरेशन का स्केयर, जिसको बोलते इनवर्स स्केयर ला, जिसको क्या बोलते बेटा इनवर्स स्केयर ला। अब हम ग्राफ बनाते हैं फोर्स और सेपरेशन के बीच का, किस किस के बीच का बेटा फोर्स और सेपरेशन के बीच का। देखिए जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज। देखो जैसे जैसे आपकी सेपरेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपका फोर्स क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज। देखो अगर हमने क्या किया बेटा सेपरेशन को डबल कर दिया, हमने क्या किया सेपरेशन को डबल कर दिया, मान लो पहले सेपरेशन थी 1, अब हमने उसको क्या कर दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4। जो फोर्स है वो कितने गुना कम हो गया बेटा 4 गुना कम होगा, फोर्स कितने गुना कम हो गया 4 गुना कम होगा। अब हमने क्या किया सेपरेशन को ऑफ कर दिया बेटा, पहले मान लेते हैं सेपरेशन थी 1, अब हमने क्या कर दिया 1/2, तो फोर्स आपका क्या होगा 4 गुना ज्यादा होगा बेटा। आप समझ सकते हो, मैंने देखो कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप एक बार रीड कीजिएगा। देखो डेफिनेशन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एनी टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। देखो चार्ज कैसे होना चाहिए पॉइंट चार्ज, पोजिशन कैसे होने चाहिए रेस्ट के अंदर, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा स्केयर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, जो उनके बीच की सेपरेशन उसके स्केयर। एक बार आप इसको स्टडी कीजिएगा। ये सारी कैलकुलेशन है बेटा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखो उसके बाद क्या था, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है यानी के, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा। फर्स्ट क्या था द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, यानी जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं सिस्टम के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या था नेचर ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सीजीएस सिस्टम के अंदर के की वैल्यू होती है बेटा 1/k, यानी कि के दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, जो सिस्टम के अंदर हम यूनिट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर और मीडियम के ऊपर बेटा।